राधे कृष्णा। दोस्तों आप सभी को जूत पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामना। जूतिया व्रत की दो कथाएं प्रचलित हैं जो इस प्रकार से हैं। एक कथा आपने इसके पहले पार्ट में सुन ली, अब ये दूसरी कथा मैं बताने जा रही हूँ। दूसरी कथा चील सियारों की कथा है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जूतिया व्रत 6 अक्टूबर को है और 7 अक्टूबर को उसका पारण है, जो कि 10 बजे के बाद है। इन दोनों कथाओं को पूजा करने के बाद जब स्त्रियां पूजा करके आती हैं तो आपस में एकजुट होकर इन कथा को जरूर कहना और सुनना चाहिए। तो दूसरी कथा आगे स्टार्ट करते हैं। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जूतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका व्रत को रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करते हुए व्रत किया, लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने बथारी बात बता दी। चिल्लों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्लों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूर्ण किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चिल्लों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्र का व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। और जिस प्रकार चिल्लों और सियारिन के बच्चे को भगवान ने जीवित किया, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार हर माताओं की गोदी उनके बच्चों से भरी रहे और उनके बच्चे ऐसे ही हृष्ट पुष्ट बने रहें। जय माता दी।